जड़ी है गिरफ्तार की जाएगी। जी नकुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पहले भी जितने जो मामले हुए हैं, विपक्ष हमेशा से आरोप रहता है कि सरकार सिर्फ SIT बिठाती है और नतीजा कुछ नहीं आता है, क्या उसी का ये नतीजा है कि इस केस में भी SI CBI जान से परहेज की जा रहा है? देखो जो तो इक्की मामले सामने आते हैं, जो तो मौतें होती हैं जहरीली शराब करके तरन तारण और अमृतसर के बटाला दे जड़ी दो गिरफ्तारियां हो जाती है, SHO नूं सस्पेंड कर दिता जाता है और दो गिरफ्तारियां हो जाएं ने की खानापुर की है पहली गल। दूजी गल अगर सिटा की गल करिए, सिट बटाला फैक्ट्री ब्लास्ट से भी बनाई गई, कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। अमृतसर ट्रैजेडी सब तो वड्डी ट्रैजेडी हुई, उहदे ते भी एक सैट बनाई गई, भी प्रशारतां नूं मैजिस्ट्रियल जांच दी गई, उहदे ते भी कोई हल नहीं निकलिया। यह जांच भी मैजिस्ट्रियल जांच नूं आदेश दे दिते गए ने कि इस जांच की रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, अगर रिपोर्ट सबमिट की जाएगी तो की वह जनतक की जाएगी, की कार्रवाई होएगी। सवाल यह है सिट से बेअदबी के उत्ते भी सिट बेअदबी मामला जो 2015 का है, अज 5 साल हो गए ने उस मामले को, 3 साल सूबे के सरकार हो गए हैं, सिट को मामला चल रहा है, 2 सिटा इस चीज़ की जी है जाँच कर रही है कि वो जनतक की अज तक कि वो गिरफ्तारियां हुई, डेरा प्रेमिया गिरफ्तारियां होंगे ना वो बेलते आ जाते हैं, कि सिटा बनाने हल निकल जाता है, कौन है जिम्मेदार इन्होंने मौतों का? 110 सूबे से मौत हो चुकी हैं, कि पंजाब सरकार जिम्मेदार है, कि प्रशासन जिम्मेदार है, कि पंजाब पुलिस जिम्मेदार है? बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जितने भी मामले पंजाब में सामने आ रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर दिखाई देता है, क्यों पंजाब सरकार की तरफ से कहा जा सकता है कि सख्ती नहीं की जाती है, क्यों इसमें पंजाब सरकार की तरफ से ढीली कारगुजारी या ढीली कार्रवाई कहा जा सकता है कि हमेशा सामने आती है? और शायद उसी का ये नतीजा भी सामने आया है कि जहरीली शराब की त्रासदी हम देख रहे हैं, इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की मौतें हो रही हैं। प्रशासन की कार्यकारी तो सवाल जरा चक्या है, बिल्कुल तरन ठीक है, क्योंकि सख्त अधिकारियों से गाज गिरना अपने आप से सवाल चुकया जाता प्रशासन के उत्ते, DSP मुअत्तल किया जाता, SHO मुअत्तल किया जाता है, काफ़ी वड्डे अधिकारियों ETOs मुअत्तल किया जाता कि प्रशासन ये अपने संसदां दा उन्हां दा कहना है कि प्रशासन नाल पुलिस नाल सरकार की मिले भुगत बिना ये चीज़ा नहीं पॉसिबल है। इलीगल लीकर की गल की जाए, श्रोमणी अकाली दल हमेशा पंजाब सरकार को घेरता रहा, क्योंकि पिछले 2 महीनों के जो चीफ सैक्रेटरी वाला इशू क्रिएट होता है वो सामने आता है कि 5600 करोड़ का जो स्कैम होया इलीगल लीकर के होया, जो टैक्सेस रिटर्न आती है पंजाब सरकार को, उदे ते भी कोई हल नहीं, उदे ते पंजाब सरकार का कहना है कोई इदां दा स्कैम नहीं है, पर अगर वो गल उठती है तो उदा नतीजा क्यों नहीं निकलता, उस स्कैम नूं सामने क्यों नहीं रखा जाता, या उदे ते कोई जांच क्यों नहीं बिठाई जाती है? सवाल यह है, प्रशासन कितने ना कितने मिलिया ही होया इन्हां लोकां नाल, तो ही ये चीज़ां हो पाउंदियां, नहीं तो पॉसिबल वाकई नहीं है। चीज़ जिवें पटियाले डिस्टिलरी फड़ी गई, कांग्रेस का सरपंच उहदे च शामिल सीगा, एक हालांकि प्रूव नहीं हो पाया, बट हाँ श्रोमणी अकाली दल ने इस चीज़ को घेरिया कि मदन लाल जलालपुर है कांग्रेस के सरपंच ये तो कितने ना कितने पंजाब सरकार इन मामलों के घिरती नज़र आ रही है, क्योंकि जहरीली मौत करके 112 तो वध मौत होना पंजाब दे विच सरकार ते भी सवाल चक रहे और प्रशासन ते भी सवाल चक। आपसे ये भी जानना चाहेंगे नकुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन अभी जारी है, फिलहाल किया जा रहा है, वहीं अगर अकाली दल की बात की जाए वो भी लामबद है, क्या उनकी तरफ से इस तरीके का विरोध प्रदर्शन की कोई बात निकल के सामने आ रही है? देखो अज ही श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक होनी सी, किसी वजह तो करके अज श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक में पोस्टपोन किया गया, वो कल की जाएगी। इस मसले के उत्ते जी श्रोमणी पंजाब के करंट जो इशूज ने उन्हें मसलों के उत्ते विचार वटांदरा किया जाएगा और अगली रणनीति तय की जाएगी कि अगर पंजाब सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंदी है दोषियों के खिलाफ तो श्रोमणी अकाली दल भी सूबे भर के प्रोटेस्ट करेगी, पटियाला के घराव करेगी और चंडीगढ़ के CM आवाज़ का घराव करेगी। रणनीति जी तय की जाएगी कल कोर कमेटी के। आम आदमी पार्टी वालों अज घराव किया गया, हजे भी प्रोटेस्ट चल रहा उत्थे, अगवाई भगवंत मान की हो रही है, हरपाल चीमा जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने वो हैगी है, विरोधी धिर का जोड़ा रोल है वो अदा कर रही है, आम आदमी पार्टी जोड़ा रोल अदा कर रही है सूबे के। बिल्कुल नकुल, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हर हफ्ते फेसबुक लाइव होकर लोगों से रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, इस मामले पर उनकी कोई भी बयान नहीं आया है, कोई उनकी तरफ से क्लियरेंस नहीं आई है, कोई भी तरह से उनकी तरफ से सफाई नहीं दी गई है इस मामले पर, क्योंकि हर हफ्ते वो फेसबुक लाइव होकर जो बड़ी समस्याएं हैं उन पर चर्चा करते हैं, और ये पंजाब में सबसे बड़ी समस्या है। आज की अगर बात की जाए तो त्रासदी घटना ये हो रही है पंजाब में, त्रासदी है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सफाई कहीं ना कहीं सामने आनी चाहिए और लोगों के जहन में ये सवाल जरूर होगा।
तरन दस दिए कि पूरे कैबिनेट ने कल पूरे प्रेस बयान जारी किए थे इस जहरीली शराब नाल जिहड़ियां मौतां होईयां सीगियां उन्हां दा कहना सी कि पहली बार नहीं होया 2015-16 च जदों श्रोमणी अकाली दल की सरकार सी उदों भी मौतां होईयां सी। पूरे कैबिनेट ने अकाली दल नूं घेरिया इस मसले दे उत्ते कि सियासत ना करो क्योंकि जिहड़े लोकां दी जान गवाई है उन्हां नाल उहदे उत्ते जिहड़ी पंजाब सरकार है एक्शन लेगी। अगर गल की जाए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की, कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों भी प्रेस रिलीज जारी की गई सी 2 लाख का कंपनसेशन दिता गया सी उन्हां दे परिवारां नाल जिहड़ी उन्होंने परिवारों नाल सांझ किया गया और यह भी कहा कि जिहड़े इहदे मुलजम होणगे उन्हां ते सख्त तो सख्त जिहड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पिछले फेसबुक लाइव पर भी उन्होंने यो किया कि जी रेड्स है वो की जा रही ने और सस्पेंशन वाली जी गल है वो श्रोमणी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह लाइव आई सी फेसबुक पर उस तो बाद जो है प्रेस रिलीज जारी किया गया जी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, फिलहाल जारी है, गिराव किया जा रहा है सीएम आवाज का, वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से उनका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले पर? तरुण चुग जो है वो काफी हमलावर रहे हैं पहले भी, बाकी मामलों को लेकर भी, और कल भी वो काफी हमलावर थे, उनका क्या इस पर रिएक्शन है? जो बीजेपी सूबे के प्रधान अश्विनी शर्मा ने वो भी उस मौके पर गए, तरुण चुग भी उस मौके पर गए, उन्होंने भी यही पंजाब सरकार को घेरिया कि जिहड़ी सरकार अपने मैनीफेस्टो सरकार बनाने के नशे को सब तो वड्डा मुद्दा बनाती है और गुटका साहब से सौं खा के कहते हैं कि 7 दिनों सूबे के नशे का लक तोड़ देंगे। ठीक है, उस मसले उत्ते घेरते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को सख्त तो सख्त एक्शन लेना चाहिए और वह भी बीजेपी भी उस मामले के सिटिंग हाईकोर्ट जज की जांच के आदेश देने कह रही है या CBI को मामला लेके जाने कह रही है। बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल की कल कोर कमेटी की बैठक है, इसे मसले के उत्ते कल विचार वटांदरा किया जाएगा और अगली रणनीति तय की जाएगी कि सूबे दे विच पंजाब सरकार को किवें घेरिया जाएगा। कि श्रोमणी अकाली दल का यह भी कहना है कि वह परिवारों के नाल खड़े ने और जिनी भी लोड़ पेगी श्रोमणी अकाली दल उन्होंने परिवारों के नाल खड़े ने और सूबे भर के प्रोटेस्ट करेंगे ताकि जी गिरफ्तारियां ने हो सकन और मुलजमान से जोड़ा एक्शन है लिया जा सके। बिल्कुल नकुल, एक थोड़ा सा इस मुद्दे से हटके मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से, हालांकि इसी मुद्दे से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से अब लोगों की मौतें हुई हैं, कितनी सारे मौतें हुई हैं यहाँ पर जहरीली शराब से, वहीं जब एम्बुलेंस की बात की जाए की गई मौत के बाद तो उनको एम्बुलेंस तक भी प्रशासन की तरफ से नहीं अवेलेबल कराई गई और कहीं ना कहीं पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव है यहाँ पर नेगलिजेंस उनका नजर आया है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सवाल निशान जरूर खड़ा होता है प्रशासन की, इतनी बड़ी अनगहली यहाँ पर कैसे सामने आ सकती है कि अगर कोई डेड बॉडी लेके खड़ा है और एम्बुलेंस की बात कर रहा है, एम्बुलेंस की मांग कर रहा है, तो उसको एम्बुलेंस तक भी उनके घर तक नहीं पहुँचाई जाती है? बिल्कुल, पंजाब सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो घेरती है, एक तो कोरोना की महामारी और उस तो बाद अजिही मौतें जिहड़ी कि नहीं होनी चाहिए सी, जिहड़ी टल सकदी सी, इलीगल लीकर दे अगर रोकथाम पाई जाती सरकार वालों या प्रशासन वालों तो मौतें बच सकती सी और हेल्थ डिपार्टमेंट कितें ना कितें इन्हां चीज़ां दे विच जरूर घिरदा नज़र आ रहा है कि अगर किस बंदे की मौत हो जाती है जहरीली शराब करके कि उन्हों एम्बूलेंस भी मुहैया नहीं करवा सकती पंजाब सरकार, की पंजाब सरकार या हेल्थ डिपार्टमेंट इन्ना कैपेबल नहीं है कि एक एम्बूलेंस उन्होंने प्रोवाइड की जाए, तो कितने ना कितने प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्कुल नाकामी है इस मामले के उत्ते और हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी नाकामी है इस मसले के उत्ते, हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी नाकामी है इस मसले के उत्ते, इस मसले के उत्ते भी जाँच करवानी चाहिए क्यों अजिहा होया और एक्शन लेना चाहिए संबंधित अधिकारियों के उत्ते और प्रशासन के उत्ते संबंधित अधिकारियों के उत्ते एक्शन लेना चाहिए कि वड्डे मगरमच्छ माफिया दे क्यों नहीं फड़े जाते। बिल्कुल नकुल, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, स्थानीय प्रशासन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन और नेताओं की मिली भुगत का भी मुद्दा जो है सामने आया है, कहा जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन और नेताओं की मिली भुगत है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो श्रोमणी अकाली दल हमेशा ही घेरता नज़र आया पंजाब सरकार नूं और कहिंदा नज़र आ रहा है कि इहदे च कितें ना कितें विधायकां दी मिली भगत इहदे च हैगी है, प्रशासन दी मिली भगत हैगी है, पुलिस प्रशासन दी मिली भगत हैगी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की गल की जाए, श्रोमणी अकाली दल की कीती जाए, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी यो गल कही कि अजिहियां चीज़ां सूबे दे विच ना ही किसी की शह तो बगैर नहीं हो सकदियां, या तो विधायकों की शह, या तो सरकारां दी शह, या प्रशासन की शह। तो श्रोमणी अकाली दल ने कल लाइव होकर भी यह बयान जारी किया कि कई पुलिस अधिकारी श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं जो उत्थे अमृतसर के मुछड़ पिंड जाते हैं तो वह कहते हैं कि साढ़े को एक्शन लैन नूं कहा ही नहीं जा रहा, साढ़े बहुत प्रैशर एक्शन लैन पर, तो कित ना कि इत्थे पंजाब सरकार घिरदी और सवाल खड़े होंगे ने कि पंजाब सरकार की प्रशासन उन्हां लोगों को बचाना चाहता है जो माफिया के विच हैगे।
कर। बिल्कुल नकुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब से ये मामला तूल पकड़ता आ रहा है, बीते कुछ दिनों से लगातार मामलों में इजाफा भी देखने को मिल रहा है, प्रशासनिक स्तर पे अगर बात की जाए, छापेमारी भी कई जगह पर सुनने को मिल रहा है कि छापेमारी भी की जा रही है प्रशासन की तरफ पे, और अगर प्रशासनिक स्तर की बात की जाए तो कितना ज्यादा सख्ती जो है वो की जा रही है ग्राउंड लेवल पे। पिछले दो दिनों की अगर हम बात करें तो ग्राउंड लेवल पर कितनी सख्ती जो है प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। सख्ती की गल करिए, 100 तो वध रेडा पंजाब पुलिस वालों इस वेल्ले कीतिया गई ना, डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा कि 100 तो वध रेडा कर चुके हैं, हज़ारा लीटर जी शराब इलीगल जी लाण होंगी है जी पिंड बनती है उन्होंने बरामद किया गया, जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया गया, तो कोई 36 तो 37 जड़े पैडलर्स ने उन्होंने अरैसट कर दिता गया। पर सवाल यह है तरन कि इन्हों मौतों तो बाद ही प्रशासन एक्टिव होया, 37 गिरफ्तारा हुई इन्नी लाण फड़ी गई, क्या 110 मौतों तो बाद ही प्रशासन ने एक्टिव होना सी जी, कि वह पहला नहीं हो सकता सीगा, कि वह शराब पहला नहीं फड़ी जा सकती सी, लॉकडाउन के समय के पटियाला इलीगल लीकर डिस्टलरी फड़ी जाती है, उस भी एक सैट बना दी जाती है, वो भी कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट होती, हालांकि कैबिनेट मंत्री की अगवाई के सैट बनती है, सुख सरकार है वो अगवाई करते हैं, वो भी कोई हल नहीं, कि सिर्फ जाँच के आदेश दे चीज़ा ठीक हो जाएगी या खाना पूर्ति ही होगी हमेशा, चाहे किसी की भी सरकार हो, मरदा हमेशा आम बंदा ही है, गरीब परिवार ही मर रहे, जो लोग ने अपने जी गवाए ने उन्होंने 2 लाख रुपए की बहुत होगा तर जी। सवाल है बिल्कुल नकुल, आप हमारे साथ बने रहिए, कल दलजीत चीमा का एक बयान भी सामने आया था, हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। दीदी गल है कि जेड़ा माझे दे विच एडी वड्डी ट्रैजेडी शराब दी वापरी है, उहदे करके अज पंजाब दे 3 मंत्री सभां दे प्रेसली जिहड़े आ उह सरकार ने जारी कीते। असीं तां सोचदे सी कि सरकार इस मुद्दे की गंभीरता नूं समझदे होया हाईकोर्ट के मौजूदा जज तो जांच कराएगी, पर जिस तरीके मौतों की गिनती वध रही है और जिस तरीके कांग्रेस की इनवायरमेंट दी खबरां सामने आ रही हैं उसकी घबराहट जिहड़ी है वह मुख्यमंत्री साहब के दफ्तर तक भी पहुँचनी शुरू हो गई है। अज 3 मंत्री साहबान के प्रेसली जिहड़े है वह जारी होए, एक तो सेहत मंत्री साहब का, मैनूं हैरानी है कि 125 के करीब मौतां हो गई, हाले किन्ने बेचारे हस्पतालों पे। सेहत मंत्री साहब नूं तो चाहिए सी कि मुख्यमंत्री साहब को जाके कहिंदे कि देखो एड्डी वड्डी ट्रैजेडी हुई है, लोगों की सेहत के नाल खिलवाड़ होया, तो तुरंत इहदी सीबीआई की जां जज साहब की जाँच करो। पर उल्टा उन्होंने श्रोमणी अकाली दल के प्रधान के उत्ते चिकड़ सुटने की कोशिश की। राणा सोढी साहब का प्रेस रिलीज जारी होया, अरुणा चौधरी जी का प्रेस रिलीज जारी होया। मैं सारे कैबिनेट मंत्री साहबान पूछना चाहना कि मैं एक गल का जवाब दे दें, जदों राजपुरे के कोल नकली शराब की फैक्ट्री फड़ी गई सी, सारी दुनिया ने रौला पाया सी कि जिहड़े MLA साहबान तुहाडी पार्टी के लीडर के नाम आ रहे हैं वह नाम नंगे करो तो उन्होंने फड़ के अंदर दो कि तुसीं कोई एक्शन लिया। जदों खन्ने दे विच शराब की नजायज फैक्ट्री फड़ी गई सी, तुहाडी पार्टी के MLA साहबानां दे खुल के नाम सामने आए सी, सारिया ने कहा कि इन्हों फ के अंदर करो, किसी के खिलाफ भी एक्शन होया। जदों लुधियाने के जाली पैकिंग का काम शराब का चल रहा फड़िया गया, उत्थे भी तुहाडी पार्टी का नाम खुल के सामने आया, किसी ने कोई एक्शन लिया नहीं लिया। अज उहदा ही नतीजा है कि तुसीं पर्दा पाउण की कोशिश की, कांग्रेस ने अपने पर्दे ढकण की कोशिश की, अज वो जहर जिहड़ा है वह सारे माझे दे विच फैल गया। दल भी कहा जाए तो लामबंद है इस पूरे मुद्दे को लेकर। हमारे साथ नकुल अरोड़ा फिर से न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। नकुल, आपसे जाना चाहेंगे, हमने अभी अपने दर्शकों को अकाली दल की तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, दलजीत चीमा बता रहे थे कि जो सरकार है उसे उस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। वहीं आपको बता दें जिस तरीके से सुखबीर बादल ने भी बीते दिन वो हमलावर रहे हैं कैप्टन सरकार पर, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर आई है। 4 हफ्ते में नशा मुक्त करने की बात कही थी उन्होंने पंजाब को, लेकिन वो वादा उनकी तरफ से पूरा नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक स्तर पर हम कैसे देख सकते हैं?
सियासत बहुत पखी हुई है पंजाब दे विच इस मसले नूं लेकर, चाहे आम आदमी पार्टी की गल करिए, चाहे श्रोमणी अकाली दल की गल करिए। दलजीत चीमा ने कल पूरे कैबिनेट वालों प्रेस नोट जारी किए जाते हैं, श्रोमणी अकाली दल नूं घेरिया जाता। हैल्थ मिनिस्टर बलबीर सिद्धू वालों कहा जाता है कि सुखबीर सिंह बादल भी इन्हां चक्करां दे विच इसे मसले के उत्ते घेरदे नज़र आउंदे। सुखबीर सिंह बादल कहिंदे ने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री नाम की चीज़ ही नहीं है सूबे दे विच। ये कहना है सुखबीर सिंह बादल का, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान का। और दलजीत चीमा का भी यो कहना है कि अपनी सरकार से जो सवाल नहीं चक रहे, जांच नहीं आदेश नहीं दे रहे, चाहे वह खन्ना की इलीगल डिस्टडी हो, चाहे इस मसले के 110 मौत हो गई हैं, तो क्यों जांच के आदेश नहीं दिए जाते कि मजिस्ट्रियल जांच के सच बाहर आ जाएगा। अमृतसर ट्रेजडी के भी मजिस्ट्रियल जांच दे दी गई, वह भी कोई रिपोर्ट सब जनतक नहीं की गई। तो यो कहना श्रोमणी अकाली दल का कि क्यों किसी सिटिंग हाईकोर्ट के जज तो जांच क्यों नहीं कराई जा रही और क्यों CBI को जांच नहीं कराई जा रही। इस मसले के उत्ते दोनों पार्टियां जिहड़ा कि पंजाब सरकार नूं घेर रही ने, और क्योंकि पंजाब सरकार जो सूबे दे विच आई सी 3 साल पहला, उन्होंने कहा कि 4 हफ्ते दे विच जिहड़ा नशा है पंजाब दे विच खत्म कर दिते जाएगा। अगर पंजाब च नशा खत्म हो जाता तो की अजिहियां मौतां होंदियां तरन शायद ना होंदियां। तो ये जरूर एक वड्डा इशू हैगा पंजाब दे विच कि नशा की पंजाब दे विच खत्म होएगा, क्योंकि सरकार नूं ऑलरेडी सिर्फ 2 साल रह गए ने, ते पंजाब सरकार नूं इहदे ते सख्त तो सख्त एक्शन लेना चाहिए। STF बनाई गई है, STF नूं सख्त तो सख्त एक्शन लेना चाहिए। और सियासत जिहड़ी पक्की हुई है, हाले भी जिहड़ा प्रोटेस्ट है जारी है सिसवा फार्म के बाद, भगवंत मान और हरपाल चीमा की अगुवाई के आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और पंजाब सरकार नूं घेर रही है और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जिहड़ा नारेबाजी कर रही है। बिल्कुल नकुल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को ये भी दिखा देते हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से फिलहाल विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके विधायक वहां पर शामिल है। वहीं अगर बात की जाए BJP की, तो BJP की तरफ से भी कल उनकी तरफ से एक बयान दिया गया था, उनका क्या रुख है इससे सारा रुख आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। हम आपको बयान सुनाते हैं। कैप्टन साहब जवाब दो, क्या उन्होंने नलैकिया को बचाने से पिंकी और पप्पू पंजाब च नहीं आए? पंजाब च टास्क फोर्स बनी थी नशे नूं रोकण वास्ते, की कार्रवाई की टास्क फोर्स ने, की बनया टास्क फोर्स चो? कैप्टन साहब जनता ने जवाब तो दे दो, वाइट पेपर जारी होना चाहिए उस टास्क फोर्स के उत्ते। बटाला का SHO सस्पेंड कर दो, मैं पूछना चाहना कैप्टन साहब, क्या बटाला का SHO जंडियाले शराब बेच रहा है? क्या वह शराब तरन तरन जी लोग मरे, एक किड्डा वड्डा नैक्सिस है, कितों शराब चलती 300-300 किलोमीटर 250-250 किलोमीटर, और आ बिक्री का सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सप्लाई सिस्टम, तो छोटा बंदा और पिछे होएगा? वो कौन लोग ने, कौन लोग जेडे संरक्षण दे रहे, वो खाकी वह खाती कौन लोग चला रहे ने? कैप्टन साहब कौन कड़ियाँ शुगर मिल्स ने जी इन्हों अलकोहल सप्लाई कर रही हैं, इथनॉल सप्लाई कर रही हैं, स्पिरिट सप्लाई कर रही हैं, उन्होंने की नाँ ने, उन्होंने मालक कौन ने? अभी फड़ ले होंगे तो शायद ये घटना ना होंगी, क्योंकि वो शुगर मिलों के मालक कितने ना कितने किसे ना किसे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। CM आवास का घेराव उनकी तरफ से किया गया है, वहीं वहां पर नारेबाजी भी हो रही है, यहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक भी मौजूद हैं और उनकी तरफ से CM आवास को चारों तरफ घेरा गया है, दूसरी तरफ नारेबाजी उनकी तरफ की जा रही है, उनकी तरफ से की जा रही है और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट जारी है। तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं, मुद्दा यहाँ पर जहरीली शराब का है, जहाँ पर जहरीली शराब से पंजाब में मौतों का सिलसिला एक तरफ जारी है, वहीं दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार को घेरा गया है, CM आवास का घेराव किया गया है आज, और ये मुद्दा लगातार पंजाब में गर्माता जा रहा है।
तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, सीएम आवास को घेरा गया है। खासतौर पर जो मुद्दा जो है जहरीली शराब को लेकर, ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। और यहाँ पर इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा मौजूद हैं, भगवंत मान यहाँ पर मौजूद हैं, सांसद भगवंत मान भी इस मुद्दे को लेकर लामबंद है और लगातार ये मुद्दा पंजाब में गर्माता जा रहा है। तमाम पार्टियां आगे आ रही हैं। हमारे संवाददाता नकुल भी हमारे साथ लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से प्रोटेस्ट लगातार जारी है, बाकी पार्टीज भी हमलावर हैं कहीं ना कहीं कैप्टन सरकार पर, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त जो है किस तरीके से कैप्टन सरकार के लिए काफी मुश्किल बड़ा हो सकता है, क्योंकि लगातार सभी पार्टियों की तरफ से कैप्टन सरकार को घेरा जा रहा है। इस पूरे मसले के बहुत घटी नजर आई है, क्योंकि सूबे के 100 तो वध मौतें हो चुकी हैं। पहला जिहा मामला सूबे के जड़ी शराब जहरीली शराबा करके जो 110 तो वध जड़ियां मौतें हो चुकी हैं। हाले भी आंकड़े वध सकते हैं, क्योंकि बहुत जने जिहड़े जेरे इलाज है हस्पतालों के इस चीज़ को लेकर जी श्रोमणी अकाली दल भी रणनीति तैयार कर रही है, और आम आदमी पार्टी ऑलरेडी अज प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल से पलटवार कर दिता सी। पता नहीं आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल से जो पलटवार किया उन्होंने लेकर प्रोटेस्ट कर रही है कि सूबे के जो मौत हो गया उन्होंने लैके प्रोटेस्ट हो कर रही है, क्योंकि यह भी आम आदमी पार्टी को क्लीयर करना चाहिए इस प्रोटेस्ट के पहली गल तो यह। और दोनों पार्टियां पंजाब सरकार को घेर रही ने, और कितने ना कितने पंजाब सरकार इस घिरती नज़र आ रही है, क्योंकि सूबे के 112 मौत कितने ना कितने सरकार और प्रशासन से सवाल खड़े करती नज़र खड़े जरूर कर रही है। बिल्कुल नकुल, यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कैप्टन सरकार की अगर हम बात करें तो कैप्टन सरकार का भविष्य हम यहाँ पर कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार पार्टी अलग अलग पार्टियों की तरफ से उन्हें घेरा जा रहा है, कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर कैप्टन सरकार को लगातार घेरा जा रहा है, तो कैप्टन सरकार का भविष्य हम आगे कैसे देखें? देखो 2022 के चोणों ने, दो साल बाद चोणों ने पंजाब के कितने ना कितने इंपैक्ट जरूर पेगा ये चोणों को लेकर। पिछले जड़े चोण हुए ने नशे को लेकर एक मेन नशा एक मेन मुद्दा रहा सूबे के, चोणों का बेहद भी एक मेन मुद्दा रहा चोणों के, कि हूँ 2022 के जो मैनीफेस्टो तैयार किया जाएगा कि वेद भी नशे का मुद्दा रहेगा, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल तो पंजाब सरकार को घेरेगी नशे के मुद्दे उत्ते, क्योंकि 100 तो वध मौत हो चुकिया ने, पहला भी ओवरडोज करके बहुत मौत हो चुकी हैं सूबे के, कि किसानों का मुद्दा रहेगा, और पर यह मुद्दा कि गरमाएगा इलैक्शन के बिल्कुल गरमाएगा, क्योंकि कि कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर तो कहेंगे कि मैं 4 to 5 हफ्तों के या साल के नशा फिर तो खत्म कर दाँगा। ये देखना जरूर बहुत जरूरी होएगा, और बहुत देखना यह देखना जरूरी होएगा कि पंजाब 2022 के की मुद्दे रहेंगे इलैक्शन के, और नशा एक मेजर इशू रहेगा चुनाव। बिल्कुल नकुल, बात मुद्दों की अगर की जाए तो कोरोना का मुद्दा है, जहरीली शराब का मुद्दा है, और बात की जाए किसानों के मुद्दे की तो लगातार हमलावर रही है बाकी पार्टियां कैप्टन सरकार के ऊपर। अब आगे का जो कार्यकाल बचा है क्या वो सारा ही इसी तरीके से प्रदर्शनों और विरोधों के साथ ही गुजरेगा उनका जो बाकी का कार्यकाल बचा है, क्योंकि लगातार अलग अलग मुद्दों पर उन्हें घेरा जाता जा रहा है लगातार। बिल्कुल तरन, अकाली दल भी इस मुद्दे के उन्होंने घेर रही है पंजाब सरकार ने, और इसे मसले के उत्ते आम आदमी पार्टी भी घेर रही है जिहड़ी कि विरोधी धिर है पंजाब दे विच। और अगर गल की जाए 2 साल के टनियोर की, कि अगर गिरफ्तारियां होंदियां ने, कि गाज गिरती है अगर सिटिंग जज की, या कोई भी जांच बैठती है ये मिनिस्ट्रल इंक्वायरी की रिपोर्ट अगर जनतक की जाती है कि वो तो सैटिस्फाई होंदियां ने, चाहे वह विरोधी पार्टी हो चाहे वह श्रोमणी अकाली दल हो, मसला ठंडा हुंदा नज़र आएगा, नहीं तो जिहड़ा प्रोटेस्ट का दौर है मैनू लगता है वाधा नज़र आएगा सूबे दे विच। करोना महामारी नू देखदे होए सूबे दे विच 144 दी तारा लगाई गई सी, अनलॉक 3 तो बाद भी रिक्वेस्ट की गई सी कि सूबे दे विच प्रोटेस्ट ना किए जाण, पर अजिहा मामला सामने आया जिस करके राजनेतावां नू अलग अलग सियासी पार्टियां नू और लोगों नू सड़कां ते उतरना पिया पंजाब सरकार नू और प्रशासन नू जगाउण। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे अभी हम जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें बैनर्स भी पकड़े हुए हैं हाथों में और लिखा है किथे है कैप्टन, मतलब कैप्टन कहाँ है, कैप्टन को ढूंढो। सो कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्या और भी व्यापक हो सकता है, जिस तरीके से यहाँ पर हम जो तस्वीर देख रहे हैं वाकई काफी भयानक है, और आगे क्या कुछ उक ले सकता है ये? महामारी तो बाद कितने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को देखा नहीं गया, क्योंकि जो भी महामारी मार्च के आई सी, मार्च 22 तो लॉकडाउन लगाया गया, उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह कितने भी देखे नहीं गए, अगर सिर्फ देखे गए तो या वर्चुअल मीटिंग्स देखे गए या कैबिनेट मीटिंग्स देखे गए, सिर्फ अजिहियां दो चीज़ा जिसे कैप्टन अमरिंदर सिंह देखे गए फेसबुक से, हालांकि हर हफ्ते लाइव होंगे ने
पर यो ही सवाल जोड़ा श्रोमणी अकाली दल के प्रधान वालों चक्या गया कि सूबे के मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज़ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई नाम की चीज़ नहीं है, और अजिही चीज़ ही अज आम आदमी पार्टी वालों की जा रही है अज प्रोटेस्ट के कि कितने है कैप्टन अमरिंदर सिंह, कितने है मुख्यमंत्री क्वेश्चन मार्क, कि हूँ यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री उन्होंने विक्टिम्स फैमिली के नाल जाके मुलाकात करते हैं, कि उन्होंने मंत्री उत्थे जाते हैं, कि उन्होंने DGP उत्थे जाते हैं, क्योंकि इन सारिया चीज़ों के उत्ते श्रोमणी अकाली दल इन्हों ऑलरेडी घेर चुकी है, क्योंकि सियासी पार्टियां उत्थे पहुँचनिया शुरू हो चुकी ने। अगर गल करिए BJP की, BJP के प्रधान उत्थे पहुँच चुके हैं, श्रोमणी अकाली दल की गल करिए श्रोमणी अकाली दल के प्रधान पहुँच चुके हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हरपाल चीमा उत्थे पहुँच चुके हैं, हालांकि कैबिनेट मंत्री भी उत्थे जा चुके हैं, विधायक भी उत्थे जा चुके हैं, पर कि सूबे के मुख्यमंत्री उत्थे जाएंगे या नहीं है बड़ा सवाल है। बिल्कुल नकुल, आप जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है, अलग अलग पार्टियां जो है कैप्टन सरकार को घेर रही हैं, देखा जाए तो कैप्टन जो है लगातार जवाब देते आए हैं, बीते दिन अरविंद केजरीवाल को भी उनकी तरफ से जवाब दिया गया है माइंड योर ओन बिजनेस करके। अब क्या लगता है जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां उन्हें घेर रही हैं, क्या मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सामने आएंगे, क्या उनकी तरफ से जवाब दिया जाएगा जिस तरीके से लगातार पार्टियां उन्हें घेरती नजर आ रही हैं? जारी किए जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों सुखबीर सिंह बादल को घेरिया गया, साफ किया गया कि सियासत करने की लोड़ नहीं है इस मसले के उत्ते, सिर्फ क्योंकि हम देखना यो ही है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह विक्टिम्स की फैमिली ना मुलाकात करते हैं कि इन इस मसले के उत्ते मीट, क्योंकि कल कैबिनेट मीटिंग है बुधवार को, तो इस मसले के उत्ते विचार वटांदरा करते हैं और कि आदेश देंगे ने, यह देखना बहुत जरूरी होएगा, क्योंकि कल 3 बजे कैबिनेट मीटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही मीटिंग है, और देखना होगा कि अधिकारी उस मीटिंग शामिल हो और की आदेश दिए जाते हैं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों इस मसले के उत्ते, और की सख्त तो सख्त जी कार्रवाई के आदेश देंगे कैप्टन जी। नकुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लगातार ये मुद्दा गर्माता जा रहा है, प्रदर्शनों का दौर अगर बात की जाए तो लगातार पंजाब में जारी है, फिर चाहे किसानों के मुद्दे हो, कोरोना का मुद्दा हो या फिर अब जहरीली शराब का मुद्दा हो, लगातार ये मुद्दे गर्माते जा रहे हैं और प्रदर्शनों का दौर भी लगातार पंजाब में बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं कैप्टन सरकार के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर प्रदर्शनों का दौर जारी है और कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि अब कैप्टन सरकार पर का इस पर क्या रवैया रहता है, क्या आने वाले दिनों में भी इस तरीके का प्रदर्शनों का दौर जारी रहेगा या फिर इस पर कैप्टन सरकार कोई कड़ा एक्शन लेती है और इन सब चीजों पर नकेल कसी जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।